Good morning, students. Today we will start our next chapter of part B, human settlements. Human settlements जो है वो आपने पहले भी ये concept पढ़े हैं. Actually मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये part B है उसमें हम वही सारे mostly concept पढ़ेंगे जो हमने part A में किए हैं. But we will learn it with the reference of India, है ना? तो यहाँ पर हम इंडिया के रेफरेंस में अभी इन सब चीजों को पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है? जहां पर लोग लिव, अगर हम एक जनरल इसका मीनिंग ले तो इट मीन्स वेयर द पीपल लिव. अब लोग जहां पर रहते हैं वो चीज जो है वो एक स्मॉल एरिया भी हो सकता है और एक लार्ज एरिया भी हो सकता है. इट कैन बी स्मॉल और लार्ज, ठीक है. इट कैन बी लाइक अ विलेज और इट कैन बी लाइक अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज. अब इन सब चीजों के पीछे लोगों के जो रहने का मीन्स है वो क्या है कि जहां पर उनको अपने लाइवलीहुड के लिए बेसिस मिल जाए, यानी इकोनॉमिक जो बेस है दैट इज अ बेस ऑफ द सेटलमेंट. अब ये इकोनॉमिक बेस जो है वो लोगों के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक तीनों ही चीजों को जो है ये हमारे सेटलमेंट्स इफेक्ट करती हैं. अब जो लोग हैं वो क्या, मैंने आपको बताया कि स्मॉल एरिया में भी रह सकते हैं और लार्ज एरिया में भी. बट इसका क्या क्राइटेरिया कि हम विलेज कहते हैं या टाउन? हमने ये लास्ट चैप्टर में किया था कि हमने पॉपुलेशन वाइज और ऑक्यूपेशनल वाइज जो है इनको डिफर किया था. तो जो हमारे एरिया वाइज छोटे एरिया है उनको हमने विलेज कहा था जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है. इंडिया के रेफरेंस की बात करें तो जहां पर 5,000 से कम लोग रहते हैं दैट इज नोन एज अ विलेज एंड मोर देन 5,000 इज नोन एज सिटी. अब ये तो नहीं कि एक सिटी में सिर्फ 5,000 ही रहते हैं, यहाँ पर मिलियन सिटीज भी हैं हमारे पास, मेगापोलिस भी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी है जहाँ पर 5 लाख से भी ऊपर लोग रहते हैं एक सिटी में. तो जो नंबर ऑफ पीपल कैन बी डिफर फ्रॉम फ्यू पीपल टू लाख, नंबर ऑफ लैक्स पीपल इन द सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटीज. दूसरा हमने इसका जो डिफरेंस किया था दैट वॉज अ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मीन्स जो विलेज में लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है प्राइमरी एक्टिविटीज. बहुत ज्यादा मैं आपको स्लोली नहीं कराऊंगी क्योंकि हम ये सब चीज बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं. तो यहाँ पर हमारा विलेजेस का मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या रहता है? प्राइमरी एक्टिविटीज. वेयर एज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज. तो इन दो बेसिस पर हमने विलेजेस और टाउन्स को डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन. तो जितने भी ड्वेलर्स हैं उनका मेन पर्पस रहता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना और यही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस सेटलमेंट्स की इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और सोशल कल्चरल एक्टिविटीज यानी उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है और उसमें इस तरीके के चेंजेस लेकर आती है. अब साइज एंड पॉपुलेशन जो है हमने इसमें मेन बेस माना टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट. इसके अलावा भी हमने क्या किया कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक बार हम देख लेते हैं. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स? रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका बेस ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन बेसिस पर The most of the peoples are engaged in agriculture in rural areas and here the peoples are engaged in manufacturing and services means secondary or tertiary activities. फर्स्ट फेज तो यही, फर्स्ट जो है डिफरेंस यही हो गया कि मोस्टली पीपल जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जिनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज उसमें एंगेज रहते हैं, ठीक है. अब सेकंड जो है इसका सप्लाई. अब क्या रीजन किसको क्या सप्लाई करता है? रूरल जो एरिया है दैट सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल
टू अर्बन एरियाज। फूड मीन्स जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, यही क्रॉप्स जो हैं वो हमें फूड भी प्रोवाइड करती हैं और फर्दर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती हैं। तो अर्बन एरियाज को इससे फूड और रॉ मटेरियल मिलता है, व्हाइल द सिटीज प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज विच हेल्प्स इन प्राइमरी एक्टिविटीज। जिनकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उनको हेल्प करने के लिए जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है वो अर्बन एरियाज प्रोवाइड करते हैं टू द रूरल एरियाज। नाउ द थर्ड इज मीन डिपेंडेंसी। थर्ड बेस इज डिपेंडेंसी कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, लैंड पर। दे डिपेंड अपॉन द लैंड। तो यहाँ पर जो मोस्टली लोगों के पास क्या होते हैं, लार्ज पीस ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन एंड द हाउसेस आर लार्ज, वेयर एज इन द अर्बन एरियाज बिकॉज द मेन पर्पज इज और मेन ऑक्यूपेशन इज मैन्युफैक्चरिंग। सो इन अ स्मॉल एरिया there is a thousand or lakhs of peoples or lakhs of people lives in a small area। ab ek hi chote se shehar mein lakho log rehte hain, so the houses are small। yahan par houses kya honge, small honge। फिर इसके लास्ट आता है इसमें सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट क्या है कि यहाँ पर जो है छोटा सा विलेज होता है हमारा, जिसमें कुछ एक लोग रहते हैं, कुछ हजार लोग, 100 से लेकर 1000 लोगों तक की हमें यहाँ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो आपस में सोशली उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम किसी विलेज में चले जाए और विलेज के किसी पर्सन के बारे में हमें नॉलेज लेनी हो, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो या हमें उसका घर ढूंढना हो, तो किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वहां सबको पता होगा। जबकि अर्बन जो एरियाज हैं उनमें लोग कैसी लाइफ लिव करते हैं, दे लिव आइसोलेटेड लाइफ। आइसोलेटेड लाइफ मीन्स उनके सोशल कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत फॉर्मल होते हैं। हम एक गली से दूसरी गली के पर्सन के बारे में भी पूछें तो शायद किसी को पता ना हो, है ना। तो यहाँ जो है आइसोलेटेड लाइफ लिव करते हैं, जबकि यहाँ पर रूरल एरियाज में लोगों का सोशल कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत ही बॉन्डेड होता है। नाउ कम टू द फैक्टर्स। फैक्टर्स डिटरमाइन द सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स। इसके जो है क्या मेन फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। So now come to the factors which determine the types of rural settlements. We can classify these into three categories. First is physical factors. Second is ethnic or cultural factors. Third is defense. तीन फैक्टर्स के कारण हमें जो है विलेजेस की फॉर्मेशन या उनकी टाइप जो है वो हमें मिलती है। सबसे पहले आते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या है, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं लाइक सोयल, वाटर एरिया, प्लेन एरिया और रग्ड माउंटेन्स और प्लेटू रीजन, ठीक है, मीन्स रिलीफ, सोयल, वाटर, आल्टीट्यूड, ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल फैक्टर। अब इसको हमने पहले भी किया कि जो हमारे प्लेन एरिया है वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से फर्टाइल सोयल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अट्रैक्ट द पीपल। तो यहाँ पर जहां पर ये फैक्टर्स
पॉजिटिव वे में अवेलेबल होंगे, वहां पर हमें विलेजेस की फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि राजस्थान जैसा एरिया है, वहां पर जो है वाटर की स्कार्सिटी है, लैंड की जो फर्टाइल लैंड है उसकी स्कार्सिटी है, तो लोग कहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, कहाँ वहां पर हमें विलेजेस की फॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर हमें फर्टाइल लैंड मिलेगा और जहां पर वाटर अवेलेबल होगा। ठीक, तो इसी तरीके से जो माउंटेन्स एरिया है उसमें हमें बहुत ही कम जो है विलेजेस मिलते हैं, बहुत दूर दूर जो है हमें ड्वेलिंग्स मिलती हैं। तो इसका भी रीजन क्या है, क्योंकि वो बहुत ही रॉक टोपोग्राफी है। सेकेंड आता है हमारा एथनिक और कल्चरल फैक्टर्स। एथनिक और कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो डिटर्मिन द टाइप्स ऑफ विलेजेस, क्योंकि जैसे कि हमारे फॉरेस्ट एरिया है, अब जितनी भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है That lives in the forested area. उनका कल्चर ऐसा है कि वो उन एरियाज में ही रह सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड ही डिपेंड करती है फॉरेस्ट पर। तो वहां पर हमें जो है अलग अलग तरीके की ट्राइबल शेड्यूल, ट्राइबल कास्ट की विलेजेस की फॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड आता है डिफेंस फैक्टर। अब डिफेंस फैक्टर क्या है कि कुछ विलेजेस की फॉर्मेशन किसके कारण होती है, डिफेंस पर्पसेस के कारण। डिफेंस पर्पसेस मीन्स डिफेंड फ्रॉम थेफ्ट और रॉबरी, कि जहां पर ज्यादा चोरी और इन सब चीजों का डर होता है वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, विलेजेस के लोग इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। जैसे कि बुंदेलखंड है, नागालैंड है, इनमें सारी फॉर्मेशन विलेजेस की किसके कारण हुई, मोस्टली डिफेंस फैक्टर के कारण फॉर्मेशन हुई, यानी सिक्योरिटी फैक्टर भी जिसको आप कह सकते हो। ऐसे ही जो फॉरेस्टेड एरिया है उसमें वाइल्ड एनिमल्स का जो है डर रहता है, तो फॉरेस्टेड एरियाज में भी, उसके आसपास के एरियाज में भी विलेजेस की फॉर्मेशन होती है, लोग कॉम्पैक्ट होकर रहना शुरू कर देते हैं टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर, दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच डिटरमिन द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में रूरल सेटलमेंट्स हमें किस किस तरीके की मिलती हैं? टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। फर्स्ट इज क्लस्टर्ड और एग्लोमरेटेड और न्यूक्लियर। फर्स्ट ये है हमारा, सेकंड है इसमें सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड। थर्ड टाइप है हैमलेटेड and the last one is dispersed or isolated. Four types की rural settlements हमें इंडिया में मिलती हैं। सबसे पहले है cluster। cluster का meaning क्या होता है, गुच्छा जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में। जैसे कि waves होते हैं वो पास पास होते हैं, है ना। ऐसे ही एग्लोमरेटेड का मतलब आपस में जुड़े होना, न्यूक्लियर मीन्स छोटा। तो ये जो टाइप है वो कैसी है हमारी, जहां पर हार्ट्स जो हैं या जहां पर सेटलमेंट जो हैं वो आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती हैं, जुड़ी हुई भी होती हैं, बहुत ही नैरो स्ट्रीट्स इनके बीच में होती है। तो इस तरीके की जो है फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये सारे जो सेटलमेंट्स है वो बहुत ही हमें पास पास दिखाई देंगे। दे कैन बी इन द लीनियर शेप और द टी शेप और द क्रॉस शेप और द सर्कुलर पैटर्न, किसी भी पैटर्न में आपको मिल सकती है। तो हमने ज्योमेट्रिकल शेप हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में की थी, चैप्टर नंबर 10 ऑफ पार्ट ए। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में हमें ये जो है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स मिल सकती हैं। इट मींस हियर द हाउसेस आर बिल्ड वेरी कॉम्पैक्टली एंड क्लोजली टू ईच अदर। बहुत ही जो है पास पास इसमें हमें घर मिलते हैं, बहुत ही नैरो जो है इनमें हमें पार्क मिलता है, नैरो स्ट्रीट्स हैं इनमें,
साथ साथ जो लोग हैं वो क्या है कि यहाँ पर मेन फैक्टर जो लोगों का आपस में रहता है पास रहने का, दैट इज नेचुरल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स के कारण भी लोग पास में रहते हैं। जैसे कि जो गंगा प्लेन एरिया है, गंगा प्लेन एरिया में हमें कौन सी सेटलमेंट्स मिलती है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलती है ड्यू टू द फर्टाइल सोयल। फर्टाइल सोयल होने के कारण लोग जो है वो उसी एरिया में रहना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक इसी तरीके से जो राजस्थान है, राजस्थान में भी हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलती है। राजस्थान में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलने का यहाँ तो हमने कहा कि फर्टाइल लैंड है इसका रीजन। राजस्थान में जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मिलने का रीजन क्या है, फर्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी। ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें राजस्थान में किस तरीके की सेटलमेंट्स मिलती है, गंगा प्लेन में हमें किस तरीके की सेटलमेंट्स मिलती है। तो राजस्थान में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के क्या रीजन है, दैट फर्स्ट वन इज द वाटर अवेलेबिलिटी। जहां कहीं भी, क्योंकि पानी बहुत कम है वहां पर, तो जहां कहीं हमें कोई पॉन्ड या कोई भी कनाल मिलती है तो उसके पास ही लोग रहना शुरू कर देते हैं राजस्थान में, तो वहां पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो फर्टाइल लैंड है दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल इन द राजस्थान, ये भी बहुत जो है कम है। तो जहाँ कहीं फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर हो सकता है, ज्वार बाजरा जो मेन क्रॉप्स है यहाँ की, अब तो राइस बीज भी ग्रो किया जाता है, तो उस फर्टाइल लैंड के पास ही लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो इन दो कारणों से राजस्थान में हमें कैसी सेटलमेंट मिलती है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलती है। द थर्ड इज डिफेंस। डिफेंस के कारण बुंदेलखंड और नागालैंड, इन दोनों रीजन्स में हमें इसके कारण मिलती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, डिफेंस पर्पसेस के कारण। नागालैंड एक फॉरेस्टेड एरिया है, बुंदेलखंड जो है वैसे ही चोर डाकुओं के लिए फेमस है वो एरिया सारा, तो यहाँ पर डिफेंस पर्पसेस के कारण हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मींस वेयर द हाउसेस आर वेरी कॉम्पैक्ट और क्लोजली टू ईच अदर। द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर हेयर, द फील्ड्स आर वेरी स्मॉल, स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो एंड डर्टी, सैनिटेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड, बट ड्यू टू द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट द पीपल लिव टूगेदर एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। नाउ कम टू द सेकेंड सेमी क्लस्टर। अब सेमी क्लस्टर क्या चीज है, अगर आप इसको देखो तो इंडिया में सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड जो सेटलमेंट्स है वो हमें यहाँ के जो सोशल हमारा स्ट्रक्चर है उसके कारण हमें ये चीजें देखने को मिलती है। अब सपोज जैसे कि मैंने आपको यही सेटलमेंट बनाई थी, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ लोग आसपास बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही जो है घर जुड़े हुए हैं, नैरो, इसमें हमें स्ट्रीट मिल जाती है, यहाँ पर हमें घर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। अब इसी में क्या हो गया कि जब हमारे इंडिया में अनटचेबिलिटी जैसी इविल्स थी, तो अनटचेबिलिटी के कारण लोग क्या करते थे कि जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास से सेपरेट रहना शुरू करती थी, यानी कि जो एससी और बीसी क्लास थी उनको जो वेल्दियर क्लास थी उसके साथ रहने की परमिशन नहीं थी। तो ऐसी जो लोअर क्लास है उनको इस मेन एरिया से बाहर थोड़ा सा दूर पे उठी एक सेटलमेंट यानी बस्ती हमें मिलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी क्लस्टर। इसका रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है अनटचेबिलिटी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पर सेग्रेशन की पॉलिसी जो है अडॉप्ट की जाती थी, कि जो वेल्दियर पर्सन हैं वो लोअर क्लास के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो लोअर क्लास जो है वो अलग सेटलमेंट जो है अपनी वेल्थ कर लेती थी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। इस तरीके के सेमी क्लस्टर सेटलमेंट हमें कहाँ मिलते हैं, गुजरात में और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान।
इन एरियाज में हमें सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स मिलती है. सो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स इज लार्जली ड्यू टू द सेग्रेशन पॉलिसी ऑफ द सोसाइटी. नाउ कम टू द थर्ड हैमलेटिक. हैमलेटिक क्या है कि छोटे छोटे सेटलमेंट्स हमें मिल जाते हैं तरीके के हैं. यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, यहाँ पर अलग अलग हमें बस्तियां मिलती हैं. अब ये बस्तियां कैसी हैं? जहां पर नंबर ऑफ पीपल इज आर वेरी फ्यू, कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल बहुत कम है, तो क्या होता है कि हमारे इंडिया में, यहाँ पर भी हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और साथ में कल्चरल, हमारा जो कल्चरल स्ट्रक्चर है इंडिया का और सोशल, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे ही कास्ट के हों, हमारे ही रिलीजन के हों, ताकि हम उनके साथ अपने फेस्टिवल्स, अपने कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो शेयर कर सके. तो इसलिए जो हम पास्ट में अगर इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखें तो वहां पर सेटलमेंट्स कैसे हुई कि एक ही जाति के लोगों ने अपनी अलग बस्ती बना ली, दूसरी ने अपनी अलग बस्ती बना ली. इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं वो हमें मिलती है. इवन आपके करनाल एरिया में भी आपको ऐसे सेटलमेंट्स देखने को मिल जाएगी. आप यहाँ के ओल्डर रीजन में चले जाओ, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग मोहल्ले आपको मिलेंगे, है ना, जाट मोहल्ला और कैसे कहते हैं कि बनियों का मोहल्ला अलग है, रोड सोसाइटी अलग है. तो वहां पर पर्टिकुलर एक जाति के लोग जो है वो हमें मैक्सिमम मिलते हैं. ठीक है, अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट इस तरीके से मोहल्लास की फॉर्मेशन हमें अभी भी जो है अपने सेटलमेंट्स में देखने को मिलती है. तो इस तरीके की जो सेटलमेंट्स है, तो ये सेकेंडरी यूनिट्स जो है वो हमारी बन जाती है अलग अलग रेसेस की. तो यहाँ पर हमें इस तरीके की पारा, पाली, नागला, धानी, इस तरीके की सेटलमेंट्स हमें मिलती हैं, जो मोस्टली कहाँ कहाँ मिलती है, गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब रीजन्स में हमें इस तरीके की सेकंड सेटलमेंट्स मिलती है, यानी डिफरेंट रेसेस की अपनी सेपरेट सेटलमेंट्स मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैमलेटेड, कि जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ हाउसेस आर वेरी फ्यू, दैट इज नोन एज हैमलेटेड. नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी, डिस्पर्स और आइसोलेटेड. Dispersed or isolated is also related to the physical factor. Physical factor, जैसे कि आपने hilly areas में देखा, hilly areas में बहुत ही rough terrain topography है, जहाँ पर continuous pattern बनाना जो है possible नहीं है. तो लोग क्या करते हैं, वहां पर दूर दूर पर आपको कहीं कहीं दो चार मकान दिखेंगे, फिर थोड़ी दूर जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे, फिर एक आधा मकान दिखेगा. तो इस तरीके से हमें बिखरे हुए जो है houses नजर आते हैं. तो ये जो दूर दूर की सेटलमेंट्स है, वो दूर दूर हमें कहीं कहीं सेटलमेंट्स मिलती है, कहीं दो तीन घर हो गए, कहीं एक हो गया. तो इस तरीके के सेटलमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स. इट इज फाउंड इन द मोस्टली इन द हिली एरियाज लाइक असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सारे जो हिली रीजन है वहां पर हमें डिस्पर्स सेटलमेंट्स मिलती है. इस तरीके की सेटलमेंट्स हमें जो है प्लेन एरिया में भी मिल जाते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ फार्म हाउसेस, कि हम अपने फील्ड्स में फार्म हाउसेस बना लेते हैं. तो वो कहीं कितने कई कई हेक्टेयर में हमें जो है एक दो हाउस मिलते हैं, तो उसको भी हम डिस्पर्स सेटलमेंट्स कहेंगे. तो डिस्पर्स सेटलमेंट्स जो है दैट इज मोस्टली फाउंड इन द हिली एरियाज. अब यहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट्स हिली एरियाज में दूर दूर है, तो मोस्टली यहाँ पर हाउसेस कहते हैं, कैसे होते हैं, लार्ज हाउसेस एंड दो मकान है. तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, लैक ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट होगा, यहाँ पर लोगों का सोशल कॉन्टेक्ट नहीं होगा. हिली एरियाज में है तो मोस्टली लोग हैं वो कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज होंगे, गैदरिंग,
लंबरी, ठीक है। इन एरियाज में एक्टिविटीज में यहाँ के लोग ज्यादा एंगेज रहते हैं। लार्ज हाउसेस है, दूर दूर पर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी होगा, प्रॉपर सैनिटेशन भी होगा, और यहाँ पर प्रॉपर क्लीन हाउस भी हमें मिलेंगे। सो दिस इज डिस्पर्स सेटलमेंट्स। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स। अब कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या होती हैं, वेयर द हाउसेज आर बिल्ड क्लोजली टू ईच अदर, जहां पर हाउसेज जो हैं वो पास पास होते हैं। एंड इन द डिस्पर्स सेटलमेंट्स हाउसेज आर अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड कि यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स है, हाउसेज पास पास है, तो वहां पर लोगों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्टैक्ट होता है। बट इन द डिस्पर्स सेटलमेंट्स देयर इज अ लैक ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। थर्ड कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में क्योंकि हाउसेस पास पास है, नैरो स्ट्रीट्स मिलती हैं, तो वहां पर प्रॉपर जो है वेंटिलेशन और सैनिटेशन और क्लीनिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती, जबकि डिस्पर्स सेटलमेंट्स में हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। द हाउसेस, द साइज ऑफ हाउसेज इन द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज वेरी स्मॉल, वाइल इन द डिस्पर्स सेटलमेंट द साइज ऑफ हाउसेज इज वेरी लार्ज। The main occupation of the compact settlement is agriculture, and the main occupation of the people in dispersed settlement is gathering and lumbering. अगर आपको यहाँ तक कोई doubt है तो आप बताइए, इसके बाद हम जो है अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के नोट्स में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताया था कि एक फोकस पॉइंट जहां से सारी जो है चीजें या सारे एरियाज आपस में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर सिटीज जो है वो एक नोडल पॉइंट की तरह जो है एक्ट करती है कि जितने भी विलेजेस के लोग हैं वो अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कहाँ आते हैं, टाउन्स में आते हैं, और टाउन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब जो टाउन्स हैं वो हमने कहा कि नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पर हमने टाउन्स को जो है वो हम कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। टाउन्स कैन बी इन वेरी स्मॉल लाइक ओनली 5,000 पर्संस, एंड जिसको हम सिटी या टाउन कह सकते हैं। इसके बाद हमारे 5 लाख तक कोई भी पर्संस रहते हैं जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है टाउन्स की फॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट टाउन्स आर हैव डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब जो 2001 में जो है हमने टाउन्स को डिफाइन किया, सबसे पहले जो है अर्बन सेटलमेंट्स डिफाइन की गई 1951 की सेंसस में। उसके बाद 2001 में इसके डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हम लेकर आए। फाइनली जो 2001 के अकॉर्डिंग हमारे दो टाउन्स हैं, दो तरीके के टाउन्स होते हैं According to the 2001, दो तरीके के हमें टाउन्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है स्टेचुरी टाउन्स, और दूसरा है सेंसस टाउन्स। ये दो टाइप के टाउन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू 2001 जो है हमने आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले स्टेचुरी टाउन्स मीन्स संवैधानिक टाउन, जहां पर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है, कोई भी कंटोनमेंट जोन है या कंटोनमेंट बोर्ड है, या फिर कोई कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, नोटिफाइड एरिया है, तो उन टाउन्स को हम क्या कहेंगे, स्टेचुरी टाउन्स कहेंगे। लाइक आवर कैपिटल्स ऑफ द स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट कैपिटल्स हैं वो हमारे स्टेचुरी टाउन्स के रूप में वर्क करती हैं। सेकेंड आता है सेंसस टाउन्स। सेंसस टाउन्स में हम तीन चीजों को का होना जरूरी है। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं, फर्स्ट इसकी कंडीशन है
कि द पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन मस्ट बी ये तो हमारी पहली कैटेगरी है कि हम किसको सेंसस टाउन्स कहेंगे जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होगी 5000 होगी। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 75% पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। दूसरी कंडीशन क्या है, उस एरिया को हम टाउन कहेंगे जहां पर एटलीस्ट 75% जो पीपल हैं दैट आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक मींस सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। एंड थर्ड वन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 400 persons पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर कोई एरिया इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी हम उसको क्या कहेंगे, टाउन्स कहेंगे। ठीक है, दूसरा तो हमने कहा कि जहां पर भी कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मिल जाता है, यानी जैसे कि कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनसिपैलिटी है, कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर कहीं पर होते हैं तो उसे हम टाउन्स कहते हैं, स्टैचुरी टाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरे हैं सेंसस टाउन्स जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए, 75% पॉपुलेशन एटलीस्ट किसमें एंगेज होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया में टाउन्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कितने टाइप्स के टाउन्स जो हैं इंडिया में हमें मिलते हैं, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क नाउ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी?